मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि और हॉस्टल के नियमों में बदलाव के चलते बीते कई दिनों से जो आंदोलन कैंपस के अंदर चल रहा था वो आंदोलन सोमवार को बाहर निकल आया। छात्र अपनी तमाम मांगों को लेकर दीक्षांत समारोह में आए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिलने निकले, मगर रास्ते में ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कैंपस के बाहर जो छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे उन पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उन्हें खदेड़ा, मगर खबरें ये भी है कि पुलिस ने छात्रों पर लाठी भी चार्ज किया और उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने मानव श्रृंखला भी बनाई। छात्रों ने फीस बढ़ोतरी और हॉस्टल के नियम पर बदलाव को लेकर सड़कों पर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें JNU की टीचर एसोसिएट डीन वंदना मिश्रा के साथ वाम समर्थित छात्रों ने हाथापाई की है, जिसमें उनके कपड़े भी खींचते हुए दिखाई दे रहा है। देखें वीडियो किस तरह से छात्रों का विरोध प्रदर्शन रहा। उसने दे दिया, तोड़ दिया, लात लात मारा उसको। पुलिस बार बार आपसे इल्तिजा करती है कि अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रखें, कोई भी वायलेंस ना करें, पुलिस के साथ हाथापाई ना करें। आप लोग पुलिस की बाती बात डाले, आप लोग पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि JNU का छात्र संघ नया हॉस्टल मैनुअल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। छात्रों का कहना है कि प्रस्तावित मैनुअल में कर्फ्यू का समय, ड्रेस कोड और फीस बढ़ाने के संबंध में कहा गया है, जिसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।